वहाँ पे गाड़ी के सामने गाड़ी खड़ी रहने दो भूल जाते हैं। कहाँ कर सकते हो गाड़ी को जान दो रिवर्स जान दो ए पीछे रिवर्स में ले लो भाई गाड़ी अंडे पीछे आगे मत जाओ यार ये कितना आगे जा रहे हैं यार भूल जाओगे वो देख और इतना ही थैंक यू क्यों बोल रहे हो अभी हमारा काम है ना यहाँ पे देखना है उर्फी जी यहाँ पे तुम भी बोलो इधर वो सेट चलो यार वो सेट चलो सेट लेट नहीं मिल रही ओह या आई एम लॉन्चिंग माय एनएफटी ऑन 19 सो उसी का इवेंट है सो आई एम हियर फॉर दैट So what is this event is all about? Will you like to share something? NFT, like a non-fungible token. So I'm launching my own collection of NFTs and we are just having a pre-launch event and that's it. And launch is on 19th. Well, haal hi mein dekha humne ki Urfi ke upar bahut se comments aa rahe hain. Kuch kehna chahogi? Recently Hindustani Bhau ne bhi bahut kuch... No comments on that. Will you like actually. to say something on that? That's no comments on that. Thank you. As well as what you would like to say about today's attire, although you have a different collections every now and then. I just want to say ki main sudharne ko bhi tayar nahi hu. So that's it. मुझे अभी कोई नहीं सुधार सकता है वो तो मुझे पता ही है ये इनको कैमरे के सामने लेके आओ इनका आंसर दिखाना है मुझे है ना थैंक यू सो मच विल जब आप सुधारने की बात कर रही है तो अगर आपको आपका अटायर इतना पसंद है तो फिर सुधारना क्यों है कुछ कहना चाहोगे इस बारे ये तो आपको पता होना चाहिए घर जाके होमवर्क करके आना समझ जाओगी मैंने क्यों क्या बोला है Spitzvilla is coming. You guys can watch me on Spitzvilla. Now I can talk about it. So, yeah. Spitzvilla में साथ ही हम देख रहे हैं कि एक जगह मास है, एक जगह विनस है, जो दो एक अलग-अलग विलास बनाए गए हैं. क्या कुछ आपके कनेक्शंस बने हैं आपको अगर आप बताना चाहो. Oh. यार देख लो यार मैं मुझे शर्म आ रही है कुछ बोलने. But it was fun. You guys will not expect कि मतलब Urfi could do something like that. शादी हर साल हम स्पिट्सविला में देखते थे कि ओरेकल हमेशा से हर किसी का गेम चेंज करता था इस साल क्या कुछ गेम चेंजेस होंगे और इस बार ओरेकल में क्या कुछ डिफरेंट देखने इस बार उर्फी ने ओरेकल का ही गेम चेंज कर दिया उर्फी जी बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल भी नहीं आई एम फॉलोइंग स्पिट्सविला नाउ बस स्पिट्सविला के बारे में थोड़ा बहुत अगर आप हिंट दोगे अगर कैसा परफॉर्मेंस देखने मिलेगा क्या कुछ तो फिर दिस इज वन ऑफ द क्रेजीएस्ट क्रेजीएस्ट स्पिट्सविला दैट्स आई मीन इट्स क्रेजी इस बार इतना कुछ अलग है ना दैट यू गाइज के नॉट इमेजिन आई मीन एंड कम ऑन इट आई एम देयर सो कैन यू इमेजिन मैंने क्या क्या किया है वहाँ पे माय आउटफिट्स लाइक टास्क चल रहा है एंड आई एम ओनली कंसर्न अबाउट माय आउटफिट्स बीच पे मैं हील पहन के यू नो ऐसे तो जा रही हूँ आई एम लाइक आई ओनली परफॉर्म इफ माई आउटफिट मैचेस द टास्क वेल फर्स्ट एपिसोड में तो हमने देखा था एंड उसमें देखा कि सनी एंड सभी ने टास्क दिया था जहाँ पे रोजेस देने हैं सो ऐसा ही आई वाज नॉट देयर इन द फर्स्ट एपिसोड आई विल बी एंट्रिंग नेक्स्ट वीक व्हाट विल बी द धमाकेदार एपिसोड यार अभी बता दूं तो धमाका की वो फुसकी बन जाएगी यार देखो उर्फी सनी जी ने भी आपकी कुछ तारीफ की थी शी इज सो क्यूट शी इज सो स्वीट यार मतलब शी वॉज सो नाइस टू मी ऑन द शो आई कैन नॉट इवन टेल यू एंड शी इज जस्ट आई वॉज लाइक जब वैन आई मैटर आई वॉज लाइक यू नो शील शो मी एटीट्यूड कि ये होगी उर्फी अपनी जगह बट शी वॉज जस्ट लाइक उर्फी आई एम योर फैन आई लव यू एंड आई एम लाइक
Did Sunny say that? She's so cute. She's very sweet. Sweetheart. Thank you. Well, last but not the least, ये सवाल सभी जानना चाहते हैं अब तक के मेरा बच्चा कब हो रहा है मेरी शादी कब हो रही है उर्फी के इतने उर्फी के इतने फैंस हैं हर कोई लाइक उर्फी के लुक से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है लेकिन जब सोशल मीडिया पे इतना कुछ जमा के हो जाए और उर्फी बोले कि नो कमेंट्स तो ये तो नहीं बनता है तो प्लीज़ उर्फी अगर आप कुछ कहना चाहो किसके बारे में रिसेंटली जो हिंदुस्तानी भाव कह रहे हैं यार अगर आप सही हो तो फिर कुछ तो नहीं इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग ऑन एवरीवन हु हैज अ प्रॉब्लम विद व्हाट आई पुट ऑन माय बॉडी फिर तो कुछ आई एम श्योर आपके रिश्तेदार है जो आपको बोलते होंगे कि आप काम मत करो जीन्स मत पहनो आप सबको रिप्लाई देती हो नहीं देती हो ना आप अपना काम करती हो क्योंकि आपको पता है आप क्या कर रहे हो आपके भी कुछ घर वाले होंगे जो आपको बोलती हो कि माइक लेके चली जाती हो क्यों ऐसे करती हो जीन्स क्यों पहनती हो व्हाई यू बीइंग अ गर्ल जस्ट एक लड़की होना ही अपने आप में प्रॉब्लम है एंड स्पेशली व्हेन यू योरसेल्फ एंड द डेफिनेशन ऑफ डिसेंसी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन किसी को जीन्स टॉप नहीं पसंद है किसी को स्कर्ट टॉप नहीं पसंद है हम हर किसी को प्लीज करने नहीं जा सकते हैं व्हाट अबाउट द व्यूअर्स दे आर थिंकिंग गुड अबाउट यू बट द पीपल आर सेइंग एंड इफ उर्फी डजंट से दैट What that means? मुझे उर्फी हर बार जो कमेंट आते थे वो कुछ अलग होते थे बट इस बार जो हिंदुस्तानी भाव की तरफ से आया है वो बहुत ही अलग है सो आपके जो फैंस हैं उनके भी फैंस हैं जो आपके वो चाहते हैं कि आप बट क्या कमेंट आए क्या कमेंट आया वो आपको खुद पता है उन्होंने क्या बोला बिकॉज़ आपको नहीं पता मुझे नहीं आई डोंट नो पर आई थिंक जो बोला था मैंने उसका जवाब दे दिया था एंड दैट्स इट आई डोंट वांट टू ड्रैग इट आई थिंक व्हाट आई एम डूइंग इज नॉट अ क्राइम बट इफ यू आर थ्रेटनिंग समवन कि वो That's a prank. That's it. Thank you. Bye guys. Thank you.